हेलो, नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? मैं हूं प्रवीत कुमार। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार सूर्यांश अकादमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बुक्स एंड ऑथर संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक है, मेघदूत किसकी रचना है? तो ए है हरिश्चंद्र, बी कालिदास, सी मैथिलीशरण गुप्त और डी है भारतेंदु। तो जो आपकी मेघदूत रचना है वो आपकी कालिदास की रचना है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, हरिश्चरित के लेखक कौन हैं? तो ए है खुशवंत सिंह, बी है बाणभट्ट, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो हरिश्चरित के लेखक हैं वो आपके बाणभट्ट हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन हैं? तो प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक आपके B.S. मेनास हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किसके प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विनय पत्रिका जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो आपकी तुलसीदास की है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज दर्पण के लेखक कौन है? तो ए है मेडोना, ऑप्शन बी है अज्ञेय, ऑप्शन सी है रामचंद्र गिरी, ऑप्शन डी है मुल्कराज आनंद। तो समाज दर्पण के लेखक हैं वो आपके हैं रामचंद्र गिरी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लेखक कौन हैं? तो ए है J.B. कृपलानी, बी है नरेंद्र मोदी, सी है खुशवंत सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो दिल्ली के लेखक हैं वो आपके खुशवंत सिंह हैं। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसके एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान कट टू साइज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है D.R. मानकेकर, ऑप्शन बी है मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी है D.R. मानकेकर, ऑप्शन डी है नयनतारा। तो आपके जो पाकिस्तान कट टू साइज के लेखक हैं वो आपके हैं D.R. मानकेकर। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम के फूल किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है J.B. कृपलानी, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो आपका जो राइट हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन हैं? तो ए है कामता प्रसाद गुरु, बी ऑप्शन है पाणिनि, सी है एडम स्मिथ और डी है अशोक मेहता। तो आपके हिंदी व्याकरण लेखक हैं वो आपके हैं कामता प्रसाद गुरु। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए है मैथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है J.B. कृपलानी, ऑप्शन डी है विशाख दत्त। तो आपके जो कामायनी के लेखक हैं वो आपके हैं जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविवास
शास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है वसुमित्र, ऑप्शन सी है असंग, ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो महाभारत शास्त्र के रचयिता हैं वो आपके हैं वसुमित्र, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? तो कथा सरित सागर के जो आपके लेखक हैं वो आपके सोमदेव हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभास किसकी कृति है? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है गौतम, ऑप्शन सी है उलूक, ऑप्शन डी है कपिल। तो जो महाभास जो आपकी कृति है वो आपकी किसकी है? आपके पतंजलि की है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए है पद्मावत, ऑप्शन बी है गीत गोविंद, ऑप्शन सी है लीलावती, ऑप्शन डी है नीत शतक। तो आपके जो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है वो आपका है गीत गोविंद। तो ऑप्शन आपका क्या बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्वेटेबल वाई के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है डॉक्टर नागास्वामी, ऑप्शन सी है यादवेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी है कुलदीप नायर। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो आपके सत्यार्थ प्रकाश रचना है वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती की है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? तो आपके जो इंटरनल इंडिया जो रचना है वो आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। और साथियों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुड अर्थ किसने लिखा है? तो जो गुड अर्थ आपका है वो आपका लिखा गया है पल एस बक के द्वारा। तो आपका जो ऑप्शंस होगा वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए है वेदव्यास, ऑप्शन बी है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो महाभारत के लेखक हैं वो आपके हैं वेदव्यास, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चड्डी शतक किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है अज्ञे, ऑप्शन डी है मम्मट। तो जो आपकी चड्डी शतक रचना है वो आपके बाणभट्ट जी की है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। तो साथियों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।